नमस्कार दोस्तों, आज हम वो टॉपिक लेने जा रहे हैं बच्चे जो एक्चुअल में देखा जाता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। एग्ज़ाम में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। और ये जो आपका साइंस का बच्चे, हम बायोलॉजी, आज ये जो लेक्चर है बायोलॉजी का है जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्या डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। क्लियर। ये टॉपिक अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं, है ना। ये आपके एनसीईआरटी क्लास 9 का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि जीवों में विविधता क्या होती है, ठीक है ना, इसे कैसे पढ़ा जाएगा और क्या क्या क्वेश्चन है उसके ऊपर हम बात करेंगे। हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के हिसाब से रिलिवेंट है, ठीक है ना, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे आप कहते हैं जीव विविधता। अगर हम इस टर्म की बात करें, इस शब्द की बात करें, तो ये जो शब्द है वन्य जीव वैज्ञानिक जिनका नाम है रेमंड एफ दासमान, इन्होंने अपनी पुस्तक अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री में ये जो शब्द है 1968 में दिया था। बाद में बच्चे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जीव विविधता को क्या कर दिया गया, कंसाइज कर दिया गया और बना दिया गया बायोडाइवर्सिटी, जिसे कहते हैं जैव विविधता। और इस शब्द की जो रचना है 1986 में वॉल्टर जी रोजेन ने की थी, है ना। तो ये अभी हमने समझा दो बातें। पहली बात, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1968 में किसने दिया था, रेमंड एफ दासमान ने। किस पुस्तक में दिया, तो आप कहेंगे अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री में दिया, है ना। बाद में इसी का नाम बायोडाइवर्सिटी रख दिया गया और इस शब्द की रचना किसने करी, 1986 में वॉल्टर जी रोजेन के द्वारा की गई। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चे जैव विविधता की। जैव विविधता एक्चुअल में है क्या, तो उससे पहले एक बात और समझते हैं कि अगर हम बात करें कि पूरे संसार में बच्चे करीबन करीबन 50 मिलियन क्या बच्चे, जो पेड़ पौधे पादप की बात करें, अगर हम जीवों की बात करें, सूक्ष्म जीवों की बात करें, उनकी प्रजातियां पाई जाती हैं संसार में। और लगभग इनमें से 1.4 मिलियन प्रजातियों के बारे में केवल आज तक पता चल चुका है। इसके अलावा दुनिया भर की और भी प्रजाति है जिसके बारे में हमें अभी तक ज्ञान नहीं है, ठीक है ना, ना ही उनके बारे में बच्चे इतना डिटेल हमें पता है। तो अब बात आती है इतने मिलियन जो हमारे पास क्या है बच्चे स्पीसीज हैं, इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करें। इनमें कुछ ऐसे भी जीव होंगे जो एक जैसे गुणधर्म रखते होंगे और कुछ ऐसे भी जीव होंगे जो अलग अलग गुणधर्म रखते होंगे। तो अब इन्हीं के बारे में अगर हम बात करें, तो जैव विविधता के अंतर्गत हम बात करते हैं कि जितने भी जीवित प्राणी होते हैं बच्चे, जीवित प्राणियों की विविधताओं को, है ना, जीवित प्राणियों के विविध रूपों को हम पढ़ते हैं किसके अंदर पढ़ते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं। अब उनके अंदर, जीवों के अंदर क्या क्या विविधताएं आती है, तो उन अगर विविधताओं की अगर मैं बात करता हूँ, तो बात आती है उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहरी रूप कैसा होता है, उनका आकार क्या है, उनमें कलर पैटर्न क्या होता है, आंतरिक संरचनाएं क्या होती है, उनका न्यूट्रिशंस पोषण की बात करें पोषण क्या होता है, बिहेवियर कैसा होता है, हैबिचुअल यानी आवास की बात करें, तो इन सब में कुछ ना कुछ क्या आते हैं, भिन्नताएं आती है। इन्हीं भिन्नताओं को पढ़ा जाता है जैव विविधता के अंतर्गत। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं बात करता हूँ बच्चे कि जैव विविधताएं जो होती है वो विभिन्न प्रकार की होती है, है ना। इन्हें ये एक्चुअल में आपके एनसीईआरटी का तो नहीं है, बट ये आपके एनवायरमेंट का टॉपिक है जिसे हम अभी यहीं पे कवर कर लेते हैं। कि जैव विविधताओं के प्रकार की अगर मैं बात करूँ, तो बेसिकली हम इसको 3 लेवल में कैटेगराइज करते हैं। नंबर फर्स्ट लेवल होता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, सेकेंड की अगर मैं बात करता हूँ स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, और लास्ट वन इज दैट इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। चलिए तो पहले हम बात करते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, यानी कि एक ही प्रजातियों के जीवों के जीनों में होने वाली विविधताएं, है ना।
अब इसमें क्या पढ़ते हैं बच्चे हम लोग, जो प्रजाति हैं कैसी प्रजाति हैं, जो एक ही टाइप की सिमिलर टाइप ऑफ की, जो सिमिलर टाइप की बच्चे स्पीसीज होती है, तो उन उन जीवों के अंदर किस में डिफ्रेंशिएट करा जाता है, उनके जेनेटिक्स यानी क्रोमोसोम्स की बात, गुणसूत्र की बात करें, उनके जीन में जो विविधताएं आती है उनका अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत। जब हम सेकेंड बात करते हैं प्रजातीय जैव विविधता की बात करें, इन इंग्लिश हम इसे कहते हैं स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। तो अभी ऊपर वाले में हमने क्या कहा, एक ही प्रजातियों के जीवों के जीन के बारे में, जबकि यहाँ पे क्या होता है, यह दो प्रजाति के मध्य होती है। किसके मध्य बच्चे, दो प्रजातियों के मध्य होती है और इसके अंतर्गत एक विशेष क्षेत्र के अंदर उपस्थित प्रजातियों के मध्य है ना, यानी हमने क्या कहा, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जितने भी प्रजाति होती है उनके बीच में होने वाली जो विविधताएं होती है उनका अध्ययन किया जाता है प्रजातीय जैव विविधताओं के अंतर्गत। अब लास्ट आता है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। अगर हम अपने इकोसिस्टम की बात करें, अगर हम अपने चारों तरफ की बात करें बच्चे, तो इसके अंदर हम बेसिकली बात करते हैं स्थलीय और जलीय जलीय परिस्थिति की हम बात करते हैं, यानी बहुत सारे जीव जो होते हैं वो जलीय जलीय स्थान पर रहते हैं, कुछ क्या होते हैं स्थलीय में रहते हैं, तो उन प्रजातियों में आने वाली जो विविधताएँ होती है उनका अध्ययन किया जाता है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी के अंदर, है ना। तो इसमें केवल आपके, देखो बच्चे मैं ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं आप इनके नोट्स भी प्रिपेयर करते रहें और जो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आप ध्यान देते रहें। पहली बात हमने जो करी थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में कि शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो आपके हैं रेमंड एफ दासमान के द्वारा। कौन सी पुस्तक में दिया गया था, अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री में दिया गया था, कब दिया, 1968 में। सेकेंड थिंग इज दैट कि बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है इसकी रचना कब हुई, 1986 में, किसके द्वारा दी गई, वॉल्टर जी रोजेन के द्वारा दी गई। चलिए इतना आप लिखिए तब आगे बढ़ते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब आगे टैक्सोनॉमी के ऊपर बात करेंगे। अगर हम वर्गीकी विज्ञान की बात करें, टैक्सोनॉमी की बात करें, तो बेसिकली हम इसके अंदर जो स्टडी करते हैं, इट्स अ साइंस, ठीक है। अगर हम स्टडी करते हैं किसके बारे में स्टडी करते हैं, तो जो जीव होते हैं जितने भी बच्चे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन की बात अगर हम करें, नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करते हैं या फिर क्लासिफिकेशन की जब बात करते हैं, इन तीनों को पढ़ा जाता है, उनकी पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। इसको हम कहाँ पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर, है ना। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैरोलस लीनियस, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अंडरलाइन भी कर देना लिखते समय, कैरोलस लीनियस की बात करें तो ये एक स्वीडिश प्राकृतिक नेचुरल साइंटिस्ट हैं बच्चे, ठीक है, नेचर के वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे, ठीक है, सिस्टेमा नेचुरे में अगर हम बात करते हैं, तो इस किताब में सबसे पहले वर्गीकरण की व्यवस्था तैयार करी थी। तो याद रखें कैरोलस लीनियस की किताब का नाम क्या है, सिस्टम है नेचुरे, और इस किताब में सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया था, जिस कारण इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या फिर फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी जनक कहा जाता है। किसका, वर्गीकी विज्ञान का जनक कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। चलिए दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है बच्चे कि 1758 में कैरोलस लीनियस के द्वारा, ठीक है, द्वि नाम पद्धति या द्वि पद नाम पद्धति दी गई बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इस पद्धति की अगर मैं बात करते हैं तो इस पद्धति में इन्होंने क्या कहा कि जीव जितने भी जीव हैं उनका जो नाम होता है उनके नाम में दो शब्द होते हैं, प्रत्येक जीव के नाम में दो शब्द होते हैं, पहले शब्द को जीनस कहते हैं या फिर जेनेरिक कहते हैं, इन हिंदी वंश कहा जाता है। अगर मैं दूसरे शब्द की बात करता हूँ तो इसे स्पेसीज कहते हैं और ये स्पेसिफिक होता है जिसे कहते हैं जाति, है ना। एक इम्पॉर्टेंट और बात है, जब भी जीनस की बात करते हैं, वंश की बात करते हैं, तो इस शब्द का पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, कैपिटल लेटर में होता है। और अगर मैं बात करूं जाति की बात करूं तो ये दूसरा जो शब्द है इसका जो लेटर होगा फर्स्ट लेटर वो कैसा होगा, स्मॉल होता है, क्लियर। चलिए तो इस पद्धति के अंदर कैरोलस लीनियस ने क्या कहा कि प्रत्येक जीव का जो नाम होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पहला शब्द वंश होता है और दूसरा क्या होता है, जाति। वंश
सभी के लिए क्या होता है बच्चे, समान होता है, और जाति सभी की क्या होती है, विशिष्ट होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं टाइगर की बात करते हैं, बाघ की बात करते हैं, तेंदुए की बात करते हैं, और स्नो लियोपार्ड की बात करते हैं, जो बर्फ में रहने वाले तेंदुए होते हैं उनकी अगर बात करें, तो ये तीनों के तीनों का जो वंश होता है उसे कहा जाता है पैंथरा। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, पैंथरा। तो तीनों का जो वंश है बच्चे वो कैसा है, जनरल है, जेनरिक है, ठीक है, समान होता है, मगर इनकी जो जातियां होती है वो अलग अलग होती है, है ना। जैसे अगर मैं बाघ की बात करता हूँ तो इसकी जो इसका जो नाम होता है पैंथरा टिग्रिस, है ना, यानी वंश ये हो गया और जाति ये हो गया। उसी तरह से बच्चे अगर लियोपार्ड की बात करते हैं तो इसका जो जाति वंश होता है पैंथरा, और जाति क्या होती है, पार्डस होती है। तो आप यहां देख सकते हैं कि वंश तो भले समान हो सकता है मगर जो स्पीसीज होती है, जो उनकी जाति होती है, वो स्पेसिफिक होती है, सभी की अपनी अलग अलग होती है। तो इस तरह से कैरोलस लिनियस ने क्या करा, द्विपद नाम पद्धति को दिया। क्लियर, आप इसे साथ साथ लिखते रहें या आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बात करते हैं हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिसे आप टैक्सा कहते हैं, इट्स अ प्लूरल फॉर्म ऑफ टैक्सन। क्लियर, अगर हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की अगर हम बात करते हैं तो उसकी एक पूरी हायरार्की होती है, है ना, उस हायरार्की को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चे हम पढ़ें, जिस प्रकार आपने सुना होगा कि ह्यूमन बीइंग, अगर मानव जाति की बात करते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सेपियंस होता है ना, होमो सेपियंस होता है, जिसमें होमो, अभी मैंने आपको समझाया कि जब भी हम किसी भी जीव का नाम लिखते हैं तो वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला जो शब्द होता है वो जीनस यानी वंश को प्रदर्शित करता है, और जो दूसरा शब्द होता है वो स्पीसीज यानी जाति को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे जो होमो है बच्चे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेपियंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, स्पीसीज को करता है। क्लियर, चलिए तो इसी की अगर मैं पूरी बच्चे कैटेगरी बनाने की कोशिश करूं तो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, है ना, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो याद रखिए सबसे छोटी इकाई जाति होती है बच्चे। क्लियर, और अगर मैं जाति से ऊपर की बात करूँ तो सबसे छोटी इकाई जाति, सेकेंड नंबर बच्चे कौन सी है, वंश। क्लियर, वंश के बाद बनता है बच्चे परिवार, परिवार से आता है गण, गण से बनता है वर्ग, वर्ग से संघ, और संघ से बनता है बच्चे जगत। यानी अगर मैं पूरा जगत जो लूँ, अगर हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो सबसे पहले पूरा जगत आया, उस जगत को मैंने क्या करा, छोटे छोटे संघों में डिवाइड किया, उस संघ से हमने क्या बनाया, वर्ग बनाया, वर्ग से हमने उनका ऑर्डर बनाया, फिर उसके बाद उनकी फैमिली बनाते हैं, फैमिली के बाद उनको वंश में कैटेगराइज किया जाता है, और फिर उनकी जाति में उनको डिवाइड करते हैं। इस तरह से जंतुओं का क्या करा जाता है बच्चे, वर्गीकरण किया जाता है। एक एग्जाम्पल की अगर मैं बात करते हैं कि मानव की अगर हम बात करते हैं तो ये हम लोग जो है बच्चे किस जगत के अंदर आते हैं, तो याद रखना एनिमेलिया, है ना, हम लोग किस जगत के अंदर आते हैं, तो एनिमेलिया जगत के अंदर आते हैं। हमारा संघ कौन सा होता है बच्चे, हमारा संघ कौन सा होता है, तो कॉर्डेटा, है ना, हमारा जो संघ होता है वो क्या होता है बच्चे, कॉर्डेटा होता है। और अगर मैं बात करूँ उपसंघ की बात करते हैं तो उपसंघ कौन सा होता है, हमारा वर्टिब्रेटा होता है, इसे आप याद रखेंगे। क्लियर, चलिए आगे अगर मैं बात करता हूँ तो हम लोग किस वर्ग से संबंधित होते हैं बच्चे, किस क्लास से संबंधित है, तो उसे बोलते हैं मैमिलिया। क्या कहते हैं उसे, मैमिलिया कहते हैं। और अगर मैं आगे बात करता हूँ बच्चे कि ऑर्डर कौन सा है हमारा, ठीक है ना, ऑर्डर कौन सा होता है हमारा, गण क्या है, तो उसे कहते हैं प्राइमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमेट्स कहते हैं। और हम किस कुटुंब या परिवार से बिलोंगिंग करते हैं, तो होमिनिसाइड, है ना, होमिनिडे, होमिनिडाई से बिलोंग करते हैं। हमारी फैमिली कौन सी होती है बच्चे, होमिनिडाई होती है, इसे याद रखें। वंश होमो और जाति सेपियंस होती है। तो बेसिकली आपके एग्जाम के हिसाब से आप इसका ऑर्डर याद रखें। पेपर में क्वेश्चन कैसे बनता है बच्चे, इनके ऑर्डर के हिसाब से बनता है, है ना। सबसे छोटी जाति, सबसे छोटी होती है बच्चे इकाई जाति, उसके ऊपर होता है वंश। पेपर में जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है, सपोज करें कि आपके पास आ जाता है कि लेडी, यहाँ पे दिया क्लास दिया, ठीक है बच्चे, फैमिली दे दिया,
जीनस दिया और यहां पे आपके पास आ गया ऑर्डर। फिर आपसे कहा जाता है इन्हें क्या कहते हैं कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इन्हें बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे मैंने चार आपके सामने, ऑर्डर, क्लास, फैमिली और जीनस। बढ़ता हुआ क्रम मतलब क्या कि सबसे पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। वो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में ऑप्शन किस प्रकार से आपको दिया गया है ना। अगर मैं बात करूँ तो अगर हम हायरार्की जो होती है बच्चे, यहाँ वाली ये नीचे से ऊपर के लिए होती है, इसको याद रखेंगे है ना, नीचे से ऊपर के लिए और होती है ये हायरार्की। क्लियर? तो सबसे पहले बच्चे अगर मैं बात करता हूं कि क्या आता है, स्पीसीज, मगर यहां पे स्पीसीज नहीं है, तो पहले नंबर में क्या आएगा बच्चे, जीनस आएगा। क्लियर? फिर जीनस के बाद क्या आता है, फैमिली आती है। फैमिली के बाद क्या आएगा बच्चे, ऑर्डर आएगा, और ऑर्डर के बाद क्या आएगा, क्लास आएगी। तो ये आपका जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा। क्लियर? तो इसमें कि क्रम व्यवस्था पर क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना। अभी हमने पढ़ा हायरार्की ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं, जिसके अंदर पादप की बात करेंगे और जंतु की बात करेंगे, ठीक है ना। साइंटिफिक नेम की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो बहुत बड़ी लिस्ट है, बट मैं आपको अभी स्क्रीन में इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक नेम दिखेंगे, आप उनको एक बार देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट उसको ले लीजिएगा, है ना। तो अब आपकी वीडियो के साथ स्क्रीन में बच्चे एक इमेज आएगी, उस इमेज से आप सभी के नाम देख लेना ही। तो आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। हम आगे अगर बात करें तो अब हम बात करते हैं वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, वर्गीकरण की अगर बात करें, तो जितने भी जीव होते हैं बच्चे, उन जीवों को क्या करना, उनके समान और उनके विभिन्न गुणधर्म, यानी जो एक समान गुणधर्म वाले तत्व होंगे, एक समान गुणधर्म वाले जो जीव होंगे उन्हें अलग करना है ना, और अलग अलग श्रेणियों में बांट देना, इसी को क्या कहते हैं बच्चे, हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। अब बात ये आती है, जीवों का वर्गीकरण करने का लाभ क्या होता है। अगर उनका वर्गीकरण किया जाएगा तो बेनिफिट क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, अगर हम सभी जीवों को एक साथ पढ़े, एक साथ समझे तो पॉसिबल नहीं है, है ना। अगर हम उनका वर्गीकरण करते हैं तो उससे हम जीवों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? सेकेंड अगर मैं बात करूं तो सेकेंड याद रखें, अब हम विभिन्न जीवों को ना, विभिन्न जीवों को क्या कर सकते हैं बच्चे, देखो विभिन्न जीवों का एक समूह बना, दूसरे विभिन्न जीवों का एक समूह बना, तो यहाँ दो समूह बन गए, उन समूह के मध्य क्या कर सकते हैं, संबंध स्थापित या प्रदर्शित कर सकते हैं, और यह जीवन के सभी रूपों को एक नज़र में प्रदर्शित करते हैं, है ना। वर्गीकरण से क्या होता है, तो आपने समझा कि वर्गीकरण करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। क्लियर? चलिए अब बात ये आती है कि जब वर्गीकरण किया जाता है ना, तो उसका पैमाना क्या है, क्या आधार है, किस आधार पर हम जंतुओं का या जीवों का वर्गीकरण करते हैं। क्लियर? तो कुछ पैमाने होते हैं, उन पैमानों को आपको याद रखना है जिनके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। पहले अगर मैं पैमाने की बात करता हूँ तो ये देखा जाता है कि बच्चे जीव जो है प्रोकैरियोटी है या यूकैरियोटी कोशिका बना है ना। ये कोशिकाएं क्या होती है, ये आप अलग से एक वीडियो बनेगी उसमें से जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने क्या समझा कि जो जीव है वो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। क्लियर? सेकेंड अगर हम बात करते हैं, जो जीव है उनकी कोशिकाएं स्वतंत्र है, यानी वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है ना, इसके आधार पर उन्हें क्या करते हैं, क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, तो अगर जितने भी जीव है उनके पास क्या सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है या कोशिका भित्ति नहीं है, है ना, इसके आधार पर हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। और लास्ट वन इज दैट कि वो भोजन का संश्लेषण करते हैं या फिर वो भोजन का संश्लेषण नहीं करते हैं, है ना। तो जो अब यहाँ पे दो कैटेगरी बनती है, एक स्वपोषी बनती है, एक विषम पोषी, ऑटोट्रॉपिक बनता है और हेटरोट्रॉपिक बनता है। तो यहाँ अभी हमने बात करी वर्गीकरण की
बात करी। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वर्गीकरण पद्धति हैं जिन पद्धतियों के आधार पर जीवों को अलग अलग समूह में बांटा गया। तो आप उससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हम बात करते हैं। हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि जितने भी जीव हैं उन्हें किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है, कौन कौन सी पद्धति आई और किन्होंने वो पद्धति दी। सबसे पहले अगर हम बात करें टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि टू किंगडम सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, जीवों को कितने जगत में बांटा, दो जगत में बांटा, और इसका श्रेय दिया जाता है कैरोलस लीनियस को, जिन्होंने 1758 में जीव जगत को दो भागों में बांटा। ठीक है, तो कौन से वो जगत थे, पादप जगत और जंतु जगत, इन्हें याद रखेंगे। तो पहली बात कि सबसे पहले जीवों का जो जगत में, यानी जीवों को अलग अलग भागों में किसने बांटा, तो कैरोलस लीनियस ने बांटा 1758 में, जिसे कहा जाता है टू किंगडम सिस्टम। ठीक है, टू किंगडम सिस्टम कहा जाता है। अगर हम आगे बात करें 1866 में, ठीक है, 1866 में एक अलग भाग और बनाया गया, जिसे कहा जाता है बच्चे प्रोटिस्टा, है ना, जिसे क्या कहा जाता है, प्रोटिस्टा। और ये किसने करा बच्चे, ई.एच. हेकल ने, याद रखना है साइंटिस्ट का नाम बच्चे, ई.एच. हेकल के द्वारा 1866 में तीसरा जगत खोजा गया, या तीसरा जगत क्या करा गया बच्चे, कौन सा, प्रोटिस्टा, है ना, ये क्या करा गया, खोजा गया या रखा गया। क्लियर, पर वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जीवों को पांच जगत में किसने बांटा, है ना, जीवों का वर्गीकरण पांच जगत में किसने किया, तो रॉबर्ट विटेकर ने किया। कब किया, 1959 को, याद रखें रॉबर्ट विटेकर के द्वारा फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया गया, है ना। तो उन्होंने पांच जगत बनाए, तो पांच जगत कौन कौन से हैं बच्चे, पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो वो है मोनेरा, है ना, मोनेरा की अगर मैं बात करता हूँ तो हम इसे डिटेल से आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये जितने भी टॉपिक हैं, अभी हम एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इनका, और इन सभी टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे अलग अलग वीडियो में जब बनेगी बच्चे, ठीक है ना। चलिए अगर मैं मोनेरा की बात करें तो इसमें आती हैं बच्चे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ा जाता है इसके अंदर। सेकेंड अगर मैं बात करता हूँ तो प्रोटिस्टा, जिसके अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, फंगाई हो गया, और आप एल्गी हो गया। क्लियर, नेक्स्ट की अगर मैं बात करते हैं तो फंजाई, है ना, फंजाई के अंदर बच्चे स्टडी की जाती है मल्टी न्यूक्लिएट हायर फंजाई की, है ना, इनका अध्ययन किया जाता है। फिर आते हैं बच्चे प्लांटी की अगर बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर ग्रीन प्लांट होगी, और एडवांस जो एल्गाई होती है उनका अध्ययन किया जाता है किसके अंदर, प्लांटी के अंदर। और अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ तो आता है एनिमेलिया, है ना, एनिमेलिया के अंदर मल्टी सेलुलर एनिमल्स के बारे में पढ़ा जाता है। तो अभी हमने केवल इतनी बात जानी कि रॉबर्ट विटेकर ने क्या करा था, फाइव किंगडम सिस्टम दिया था, है ना। तो पांच किंगडम सिस्टम कौन कौन से होते हैं, तो मैंने जैसे कहा बच्चे, पहला याद रखेंगे मोनेरा होता है, दूसरे की अगर बात करें प्रोटिस्टा है, तीसरे की बात करते हैं फंजाई होता है, चौथे की बात करें प्लांटी होता है, और पांचवे की बात करें एनिमिलिया होता है। इन पांचों के नाम आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, और इनके अंदर किस किस का अध्ययन किया जाता है, तो ये सारे आपके सामने लिखे हैं, ठीक है ना। तो इनकी बच्चे अभी सभी की अलग अलग वीडियो बनेगी, जिसमें आप मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा क्या होता है, फंजाई क्या होता है, प्लांटी क्या होता है, और एनिमिलिया क्या होता है, डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं, नोट में लिखा है बच्चे कि 1977 में क्या हुआ बच्चे, कार्ल वोस ने, है ना, कार्ल वोस ने क्या करा, जो मोनेरा है
उसको भी फर्दर दो भागों में डिवाइड कर दिया, जिसमें पहला आता है आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, है ना। इन्होंने क्या करा कि याद रखें 77 में कार्ल वोस ने क्या करा, मोनेरा को दो भागों में डिवाइड किया, पहला भाग का नाम बचे आर्किया बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। चलिए आगे अगर मैं बात करता हूँ 1982 में दो वैज्ञानिक बच्चे कौन कौन से, मार्गुलिस और स्वार्च ने क्या करा, जीवों के जो पांच जगत थे उन पांच जगत को दो भागों में बांट दिया, है ना। दो भाग कौन कौन से, दो जगत में बांट दिया, प्रोकैरियोटिक किंगडम और यूकैरियोटिक किंगडम में बांट दिया। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक किंगडम के अंदर हम स्टडी करते हैं मोनेरा की स्टडी करते हैं, और यूकैरियोटिक के अंदर हम स्टडी करते हैं बच्चे इन चारों की स्टडी करते हैं। इन्होंने क्या करा, इन चारों को बच्चे यूकैरियोटिक में डाल दिया, ठीक है। और याद रखें मोनेरा को इन्होंने किस में कर दिया, प्रोकैरियोटिक में कर दिया। तो इस तरह से क्या होता है, वर्गीकरण को किया जाता है बच्चे, क्लियर। तो ये वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया। और अभी हमें जो अगली वीडियो में पढ़ना है वो इनके बारे में पढ़ना है कि इनकी डिटेल स्टडी करनी है हमें, क्लियर। आई थिंक देखो बच्चे मैं वीडियो बच्चे व्हाइट बोर्ड में पहले से लिख कर रखता हूँ ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल सके, है ना। आप इन्हें आप वीडियो को बीच में पॉज करते रहे, इनको लिखते रहे, अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहे, क्लियर। चलिए तो आज के लिए हम केवल इतना ही रखेंगे, ठीक है ना। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें बच्चे, इनको समझने की कोशिश करें। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, है ना, ताकि हमें पता चल सके कि हमें अगली वीडियो में क्या इम्प्रूव करना है और क्या क्या चीज़ें देखनी है बच्चे। चलिए अब इसको इतने रखते हैं, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।